हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक प्रॉब्लम जो कि है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6 इंटू एक्स प्लस 2=0। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके हमें सिंपली रूट्स निकालने हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए इक्वेशन हमें ये गिवन है, एंड बाय द वे हम इसमें यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड को। ओके तो देखिए हम यूज करें फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें जो मिडल टर्म है यानी कि -2√6 इसको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसका सम तो आए -2√6 के इक्वल एंड प्रोडक्ट आए हमारा 3 × 2 यानी कि 6 के इक्वल। तो ऐसी दो टर्म क्या हो सकती हैं, -√6x एंड -√6x, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो -√6x ही बनेगा एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 के इक्वल ही होगा, राइट? अब देखिए जब हमने इनको स्प्लिट किया, हम रूट सिक्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यानी कि √2 × √3 वो भी √6 के इक्वल होगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहां से कुछ कॉमन पार्ट नहीं दिख रहा होगा, बट जब आप इसको स्प्लिट कर देंगे तो आपको एक कॉमन पार्ट दिख जाएगा, राइट? सेम इधर भी करेंगे, रूट सिक्स को हम स्प्लिट करेंगे √2 × √3 में। अब देखिए इन दोनों पार्ट्स में हम कॉमन लेंगे पहले, तो यहां से कॉमन क्या मिल सकता है, √3x, राइट? क्योंकि √3x अगर हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहां पे भी √3x बचेगा एंड माइनस में √2। अब दूसरी दोनों टर्म्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -√2, ये पार्ट हम कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या √3x - √2। फिर इन दोनों इक्वेशंस में से, इन दोनों पार्ट्स में से हम कॉमन लेंगे √3x - √2 एंड बचेगा भी सेम √3x - √2 एंड या तो ये पार्ट जीरो होगा या ये पार्ट जीरो होगा। अब देखिए तो ये दोनों पार्ट जीरो के इक्वल हो सकते हैं, यहां से हम दोनों बार x की वैल्यू निकालेंगे, तो फर्स्ट पार्ट से x का वैल्यू आया √√2/3 एंड दूसरे पार्ट से भी सेम वैल्यू आया √√2/3। तो यानी कि हमारे ये दोनों वैल्यूज जो होंगे इस इक्वेशन यानी कि 3x² - 2√6 × x + 2=0, इस इक्वेशन के दो रूट्स हमें मिल गए √2/3 एंड √2/3। आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करके देखिए, क्या पता वो तरीका इससे फास्ट हो। ओके गाइस एंड थैंक यू। TutorialsPoint.com, सिंपली इजी लर्निंग।